बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आप लोगों को लाहौर की मशहूर नान खटाई की रेसिपी बता रही हूँ। ये मैंने 2 कप फ्लावर लिया है मैदा, ये मैंने 3 स्पून ग्राम फ्लावर लिया है बेसन, और ये 1 कप मैंने आइसिंग शुगर ली है, या आप शुगर को पीस लें 1 कप को तो पाउडर बना लें। और ये मैंने 2 स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, 1 टी स्पून मैंने छोटी इलायची का पाउडर लिया है, ये 1 कप मैंने आलमंड्स लिए हैं, बादाम उनको मैंने रोस्ट कर लिया है, 3 मिनट्स आप माइक्रो में रखें, 1-1 मिनट करके आप हिलाते रहें और 3 मिनट्स में ये रोस्ट हो जाएंगे माइक्रो में। ये 2 अंडों की जर्दियाँ ली हैं, और ये ब्रश हम अंडे को उसके ऊपर जर्दी को लगाएंगे, और ये 2 कटर हैं, और ये मैं अभी इसको देसी घी को इससे बीट करूंगी। ये मैंने 1 कप देसी घी लिया है, इसको मेल्ट करके प्योर घी को तो मैंने इसको मेल्ट किया है, फिर आधा घंटा के लिए फ्रीजर में रख दिया है, इसको जमा दिया है। अब मैं इसको बीटर से मक्खन की तरह इसको गाढ़ा बीट कर लूंगी जब तक ये क्रीमी ना बन जाए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको बीट करके। ये देखिए मैं इसको जब तक बीट करती हूँ जब तक ये क्रीमी ना हो जाए। ये देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह ऐसे क्रीमी क्रीमी हो गया है, तो बस अब ये अब हम बाकी की चीजें इसके अंदर ऐड करते हैं। तो मैंने ये एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर सारी चीजों को आपने सबसे पहले छान लिया है, मैंने ये मैदा भी छान लिया है, 2 कप मैदा, और ये सब चीजों को आपने पहले छान लेना है फिर इनको मिक्स करना है। तो ये मैंने सारी चीजें छान ली हैं। ये शुगर, आइसिंग शुगर, बेकिंग पाउडर, लगे बेकिंग पाउडर को भी आप छान लें, सब चीजों को प्लेट में निकालने से पहले छान लें। तो बस अब ऐसे इसको अच्छे तरीके से हाथ से इसको मिक्स कर लें, ये देखें सारी चीजों को एकदम मिक्स कर दें। ये देखें ये सब कुछ मिक्स हो गया है, और अब ये हमारा बटर जो है, हम ये बटर लेके बल्कि ये हम आलमंड भी इसी में डाल के मिक्स कर लेंगे अपने। और फिर ये अब हम जो ये देखेंगे, हमने बटर लिया है, इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दूंगी, ये देखें ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब हम हाथों से लेके इस तरह ऐसे मसल लेंगे इसको अच्छी तरह, 1 मिनट के लिए हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे करके, ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। ये देखें ऐसे लेके 1 मिनट तक आप सारा मिक्स करें, देखें फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह इसको राउंड करना है। ये देखिए मैंने ऐसे थोड़े थोड़े 3-4 ऐसे राउंड सर्कल गोल ऐसे बना लिए हैं, और अब मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से इसके हमने कट लगाने हैं। ये हमने थोड़ा फ्लावर डस्ट कर लिया है वर्कटॉप पे, अब हम ये एक एक लेंगे और इसको हाथों की मदद से ऐसे प्रेस करेंगे। ये देखें इसको लेते जाएंगे और हाथों की मदद से ऐसे राउंड करते जाएंगे।
बस दो दो चार चार ऐसे हम बना के और फिर ट्रे में रखते जाएंगे। ये देखें, ये कटर से आपने लेना है और इसको हार्ड प्रेस करना है। ये देखें ऐसे, ये देखें ये कितना अच्छा हो गया है, ये एक बन गया है ये देखें। और हम ये ट्रे हमने लिए बेकिंग, और यहाँ लाइन से एक एक रखते जाएंगे। तो मैं आपको ऐसे ही सारे बनाती जाती हूँ। ये देखें इस तरह पहले आप सारे कट करने हैं शेप्स, एक उसमें से चार बनाती जाएं और फिर इनको वापस जोड़ के इस तरह हम ट्रे में रखते जाएंगे। तो मैं आपको सारे करके दिखाती हूँ। ये मैंने सारी बना ली हैं और ट्रे में रख दी हैं। और ये अंडों की जर्दी है योक, इसको मैं ब्रश की मदद से ऊपर अच्छे तरीके से हल्का हल्का कर दूंगी ताकि इसका बहुत अच्छा सा कलर आए ऊपर। तो बस ये करके मैंने गैस अवन को पहले से ही प्री हीट किया हुआ है गैस मार्क 2 पर। तो बस अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए अवन में रख देंगे। तो बस मैं ये ब्रश करके इसको और फिर अवन में रख देती हूँ 15 मिनट्स के लिए। फिर जब ये रेडी होती है अवन से निकालती हूँ 15 मिनट्स के बाद, फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये मैं डालने लगी हूँ अवन में इसको 15 मिनट्स के लिए। और ये मैंने गैस मार्क 2 पे रखा हुआ है। ये देखिए मैंने अवन में से इसको निकाल लिया है। तो बस अब हमें इसको कूल करने के लिए एक कूलिंग रैक पे निकाल देंगे। देखें कितना अच्छा कलर आया है अंडे की जर्दी से। बस अब इसी तरह मैं बाकी की भी बना लूंगी। और इसको सबसे पहले हम ये कूलिंग रैक पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। ये देखें, ये देखें सारे हम कितने, देखें एक भी कोई चिपक नहीं रहा कुछ नहीं। 15 मिनट्स में ना मेरे अवन में हुए नहीं थे सही, तो फिर मैंने 5 मिनट्स के लिए मोर इसको रख दिया। तो टोटल 20 मिनट्स में मैंने इसको बेक किया है। तो आप अपने अवन के हिसाब से देख लेगा कि आपका कितना टाइम लगता है। तो बस इस तरह जर्दी का कलर आ जाए और अच्छी तरह हो जाए। तो बस इसी तरह मैं आपको सारे बना के दिखाती हूँ। ये देखें मैंने सारी बेक कर ली है अवन में। 20 मिनट्स मेरे अवन में लगे हैं गैस मार्क 2 पर। तो आप अपने अवन के हिसाब से देख लेगा, इलेक्ट्रिक वाला है या आप लोगों का गैस वाला। तो फिर मैं, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरी वीडियो को लाइक करेगा। और फिर मैं नई वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय।